हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट सीआरपीसी एमसीक्यूज जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस चैनल पे मैं हमेशा सप्ताह में 2 दिन एमसीक्यू अपलोड करता हूँ। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो ये है कि आपका प्रैक्टिस भी हो सके। और मैं आप लोगों से एक रिकमेंड करूँगा एक बात कि आप जब भी इस एमसीक्यूज को देखोगे तो आप ये खुद में एनालिसिस करना कि आपका इन सब इतने एमसीक्यूज में से टोटल में से दैट मीन्स कितना सही हुआ, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। आज की वीडियो को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतज़ार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिख जाएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ग्रांट कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम एज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। मजिस्ट्रेट कॉम्पनसेशन ग्रांट करती है, इस बात का मजिस्ट्रेट को पावर जो मिला है सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 359 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 358 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू कहता है द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी कैन बी ग्रांटेड ऑन। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि जो कॉम्पनसेशन ग्रांट होता है विक्टिम को अंडर सेक्शन 357 वो ग्रांट कब होता है। ऑप्शन ए ऑन कन्विक्शन, ऑप्शन बी ऑन एक्यूटल, ऑप्शन सी ऑन डिस्चार्ज, ऑप्शन डी आइदर ए और बी और सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्विक्शन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी ग्रांटिंग कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम कैन बी पास्ड बाय। कॉम्पनसेशन ऑर्डर जो सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग पास होगा तो वो किन कोर्ट के द्वारा पास हो सकता है। ऑप्शन ए द ट्रायल कोर्ट, ऑप्शन बी द अपीलेट कोर्ट, ऑप्शन सी द रिविजनल कोर्ट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी और सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी एक कोर्ट के द्वारा पास किया सकता है कॉम्पनसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 357। कम टू क्वेश्चन नंबर फोर है, कॉम्पनसेशन कैन बी ऑर्डर टू बी पेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन ए व्हेन फाइन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑप्शन बी व्हेन फाइन फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी ओनली बी बट नॉट ए। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि कॉम्पनसेशन जो दिया जाएगा 357 के तहत वो कब दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि जब सेंटेंस का हिस्सा नहीं है फाइन, ऑप्शन बी कह रहा है कि जब सेंटेंस का हिस्सा है फाइन, एक पार्ट है फाइन सेंटेंस का, ऑप्शन सी कह रहा है आइदर ए और बी, ऑप्शन डी कह रहा है ओनली बी एंड नॉट ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, व्हेन फाइन फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ कम टू क्वेश्चन फाइव है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। ड्यूरिंग, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल प्रॉपर्टी जो डिस्पोज ऑफ होगा वो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग गवर्न होता है सीआरपीसी का। ऑप्शन ए बाय सेक्शन 454 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी बाय सेक्शन 451 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी बाय सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी बाय सेक्शन 453 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 451 ऑफ सीआरपीसी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल प्रॉपर्टी डिस्पोज होगा तो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। नाउ कम टू क्वेश्चन सिक्स है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो रहा है कब, एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, तो ये गवर्न होता है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 453 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 454 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 455 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 451 ऑफ सीआरपीसी कैन बी, ऑप्शन ए कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी अलोन, ऑप्शन बी कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोन, ऑप्शन सी कैन बी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ, ऑप्शन डी कैन बी चैटल्स ओनली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 या एज पर सेक्शन 451 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 451 ऑफ सीआरपीसी इज, ऑप्शन ए फाइनल ऑर्डर, ऑप्शन बी एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए, माफ कीजिए ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो ऑर्डर जो पास होता है सेक्शन 451 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी का, वो एक प्रकार का इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर प्रोवाइडेड अंडर या प्रोवाइडेड इन, कौन से सेक्शन में दिया गया है प्रोविजन जज और पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के बारे में सीआरपीसी का, ऑप्शन ए सेक्शन 197, ऑप्शन बी सेक्शन 179, ऑप्शन सी सेक्शन 297, ऑप्शन डी सेक्शन 279 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इररेगुलरिटीज व्हिच डू नॉट विशिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन व्हिच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन ए सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन ऑप्शन बी सेक्शन 461 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 462 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 466 ऑफ सीआरपीसी। तो इररेगुलरिटीज जिसके कारण ट्रायल विशिएट नहीं होगा वो सेक्शन 460 में दिया गया है सीआरपीसी का, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, इररेगुलरिटीज विच विशिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन, जिस इररेगुलरिटीज के कारण ट्रायल विशिएट हो सकता है या हो जाता है वो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में है, ऑप्शन ए सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 461 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 466 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 467 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सेक्शन 461 ऑफ सीआरपीसी। विच विसी यहां कह रहा है विच विशिएट ट्रायल, तो 461, और विच डू नॉट विशिएट ट्रायल इररेगुलरिटीज, तो उसके लिए 460 देखना है, याद रखना आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से अधिक जिस अपराध का सजा है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, डेट from which the period of limitation is to commence has been prescribed under which section of CRPC, option A section 472 of CRPC, option B section 471 of CRPC, option C section 469 of CRPC, option D section 470 of CRPC। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की तारीख, जिस तारीख से पीरियड ऑफ लिमिटेशन की शुरुआत होगी इसके बारे में सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन बताता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सेक्शन 469 ऑफ सीआरपीसी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कोर्ट कैन कंडोन द डिले अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, कोर्ट जो है अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म भी हो गया उसके बाद भी आपको कोर्ट माफ कर देगी और आपको मामला दर्ज करने का परमिशन ग्रांट करेगी, तो ये जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन डील करता है, ऑप्शन ए सेक्शन 470 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 471 ऑफ सीआरपीसी,
ऑप्शन सी सेक्शन 473 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 472 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सेक्शन 473 ऑफ सीआरपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप जरूर इसको इसका प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका कितना सही हुआ है। और कोई भी समस्या हो तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द एफआईआर कैन बी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स बाय ऑप्शन ए बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ सेशन, ऑप्शन सी द हाई कोर्ट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी और सी। तो एफआईआर को क्वेश करने का जो पावर है वो भी इनहेरेंट पावर जो है सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है अंडर द स्कीम ऑफ सीआरपीसी द इनहेरेंट पावर्स वेस्ट इन सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर किसको दिया गया है, किस कोर्ट को दिया गया। ऑप्शन ए दी हाई कोर्ट, ऑप्शन बी दी कोर्ट ऑफ सेशन, ऑप्शन सी दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनहेरेंट पावर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट आर कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट को है सीआरपीसी का कौन सेक्शन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को मिला है। ऑप्शन ए सेक्शन 462 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 472 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 492 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्पेशल कोर्ट इज ऑप्शन ए नॉट सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, ऑप्शन बी इज सबॉर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुपीरियर टू दी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी सप्लीमेंट टू दी हाई कोर्ट। जो स्पेशल कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट का सबॉर्डिनेट नहीं होता है, दैट मींस कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट सबॉर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शंस। ट्रायल प्रोसीजर का जो प्रोविजन है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल होगा वो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा या प्रोसीजर क्या है सेशन कोर्ट ट्रायल का, इससे रिगार्डिंग जो प्रोविजन है सीआरपीसी में वो कौन से हैं। ऑप्शन ए 262-265 सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 238-250 सीआरपीसी, ऑप्शन सी 251-259 सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 225-237 सीआरपीसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 225-237 सीआरपीसी, यही गवर्न करता है सेशन कोर्ट ट्रायल को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, द ऑफेंस कमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन ए सेक्शन 352, ऑप्शन बी सेक्शन 353, ऑप्शन सी सेक्शन 354, ऑप्शन डी सेक्शन 355। क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीसी के तहत वो कौन सा अपराध है जो सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अनुसार कंपाउंडेबल नहीं है, तो वो अपराध पनिशेबल है आईपीसी के सेक्शन 353 के अनुसार, और ये जो अपराध है ये कंपाउंडेबल नहीं है सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अनुसार। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू सीआरपीसी के रिगार्डिंग। मैं आपको अंततः बस इतना बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।